Jatam Sagaranam Tam Sajivam Sadvaitam Savadam Parijan Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagamita Sri Visakhanita Om Gyan Chitram Nisam Gyananjana Salakaya Chakshur Mitam Jena Tasmai Sri Guravina Namam Gurudevaya Dhimati Samarate Sri Sri Madhavati Sri Rupa Siddhanti Prabhupada Sri Mahatman Namam Vishnu Padaya Charya Sri Nitarupini Sri Sri Madhavati Vajjana Kesavitinamini Namam Vishnu Padaya Acharya Sri Radhikaya Kriyatmane Sri Mahatman Vedanta Narayana Nityanamini Namam Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Krimate Bhakti Siddhanta Saraswati Vinamini Trivarsabhaya Devi Daitaya Kripadvaya Krishna Samandha Vijayana Daini Prabhuna Madhur Challa Primanda Trirupaya Mukhapatita Trigaur Karuna Sakti Vigrahaya Namaskute Namaste Gauravani Sri Murtai Dinatarini Sri Rupani Guru Thapa Siddhanta Dattarini Namavara Visuraya Saksat Varanya Murtai Vipralambhara Sambhote Pada Pujari Tinam Namavakti Vinadaya Sachidananda Namine Gaura Sakti Swarupaya Rupanu Gaurayati Gaura Gaurabhimhava Mistak Nirdhishtasvajana Priya Vaisnava Sarvamasli Jagannathayate Nama Vachakalpudarubhasa Kripasyandumaya Vacha Patitanam Vavanibhu Vaisnavibhu Namo Nama Vrindaya Vajudhvai Priyaya Kesava Sacha Krishna Vatyuradevi Sattavatai Namo Nama Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Davanalasama, Sansaradahani Dandhaniva Kola Udhara Karani Karunavarita Kripavaritani Vandisehi Guru Charanakavaram Nitagita Vata Srihari Kirtani Rahena Magana Mahamasavani Romanchakam Pasu Yeah.
Thank you.
doing gajab. Top key. Top to not top gajab. Hindi to matlab bahut bhala hai. Ha, hame thodi si udi sikha do. Hame thodi sikha do udiya par. Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasati Sri Aur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Sarvatam Paramananda Gurubhadra अपने चरणार्थ निर्माण से लोग सस्ता दंड प्राप्त करते हैं तो अपने कल्याण से लगता हूँ तत्पश्चात अपने जो भक्त हैं तो वैष्णव वैष्णव की शक्ति के गुरुओं ने तेरे ने शक्ति देने बताया जाता है तुम्हारे शुद्ध तो चलो बुद्ध महाराज को इस विपस से हम लोग साधक की श्रद्धा अवस्था से ये जो प्रेम अभिदय वो कैसे धीरे धीरे क्रमोन्नति होता है उसका एक एक स्तर को हाँ श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे कोई वस्तु चल रहा है तो वो वस्तु जहाँ जा रहे कि उनका लक्ष्य चल रहा है मतलब कहाँ तक पहुंच गया तो ऐसा संसार ऐसे चल रहा है तो दो चीजें एक तो भगवत धाम पहुंचने के लिए दूसरा नहीं तो नाराज चल रहा है मतलब पहुंचना तय स्थिति कहाँ ना कहाँ वो पहुंच रहा है जैसे जैसा कार्य करोगे तो वो क्या होगा उसी स्थान में जाके स्थिर होगा तो कहना की तात्पर्य जो श्रद्धा है ये ही धीरे धीरे क्या होता है क्रमोन्नति होकर प्रेम के स्तर में पहुंचता है मगर जैसे एक तालाब में एक ही चाबी होता है वही चाबी से क्या होता है हल्ला करता है वही चाबी से खुलता है तो वैसा ही अगर ये श्रद्धा धीरे धीरे क्रमोन्नति होगा तो वो जाके प्रेम में पहुंचेगा और भगवत भक्ति प्राप्त होगा मगर वही श्रद्धा से अगर फिर नीचे की विस्तार है कैसा जैसे आप अभी श्रवण करें आदो श्रद्धा तत्व साधु संघ तत्व भजन किया अनंत निवृत्ति ऐसे धीरे धीरे होके जाके रुचि प्रेम भाव प्रेम मगर अगर वही चीज नीचे अगर विस्तार है क्या ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संजात संजात कामः कामात् क्रुद्धे विजायते क्रुद्धे भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति वंशः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो नश्यति तो हमारा अभी जो स्थिति है वो अभी एक नॉर्मल स्टेज में है हाँ तो ये नॉर्मल स्टेज से जो जैसा साधन करेगा विषय प्राप्त होगा अगर धीरे धीरे भक्ति का अंगों को पालन करेगा धीरे धीरे श्रद्धा प्रेम का अवतर परिणत होगा और उससे अगर नीचे जाएगा तो क्या बुद्धिनाश प्रणश विनाशी निश्चित तो इसलिए ये जो भागवत प्रेम ये बड़ा अमूल्य अमूल्य कैसा ना इसे कहा गया कि विमल प्रेम विमल मतलब क्या देखो एक बात तो समझो एक है मल एक है विमल एक है निर्मल तो मल मतलब क्या जगत ये परमात्म भक्त ये भागवत तत्व के अनुसार मल मतलब क्या है ना अपने स्वार्थ जड़ित जिसमें अपने स्वार्थ तथा कर्म ज्ञान ये जितना सारा भोग वृत्ति क्या है ना उसमें संश्लिष्ट है मतलब मिलित है तो उसे क्या कहते हैं मल मगर निर्मल क्या ना निर्गत मल जस्मा जिसमें मल पहले से था मगर उसे क्या गया वो निकल गया उसे कहा जाते हैं निर्मल मगर प्रेम को कहा गया विमल नास्ति मल जस्मा वो है हाँ विमल तो पहले से ही मौल उसमें नहीं इसलिए प्रेम में क्या नाश
और एक विमल प्रेम ही क्या होता है ना, शुद्ध भक्ति। और ये जो भक्ति है, ये भक्ति का महात्म्य को शास्त्र में बड़ा अच्छे से वर्णन किए। तो पहले श्रीमद् भागवत गीता में ये भक्ति के लिए बताया कि राज विद्या राज उत्तम पवित्र चित्तम उत्तम प्रत्यक्ष अवगम धर्म सुशुचम कर्तुम अभ्यम। इसका मतलब ये कि जो भक्ति है ना, राज विद्या, इतने सारी विद्या है उसका क्या है ना, राज श्रेष्ठ। और राजगुह्यम जितने सारी गुह्य वस्तु है ना, सीक्रेट चीज, उससे भी श्रेष्ठ क्यों। और पवित्र नित्यम उत्तम, ये पवित्र है, अत्यंत पवित्र। ये ऐसा पवित्र नहीं कि बस बाह्य के रूप में पवित्र करता है, अंतर बाहर दोनों को पवित्र करता है, इसलिए पवित्र। और एकदम उत्तम, ये सबसे उत्तम मतलब श्रेष्ठ चीज है, क्या ना भक्ति। इसलिए भक्ति को प्राप्त करना बड़ा कठिन चीज तथा इसको प्राप्त करने के लिए इसका जो प्रोसेस है बड़ा कठिन। इसलिए हम लोग भक्ति का जाजन करें, इसलिए ये साधारण चीज नहीं, बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। अरे भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा ही एकमात्र, वो वस्तु प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा ही एकमात्र सहायता प्रदान करता है। इसलिए बताए कि भक्ति नैव नयति, भक्ति एव दर्शयति, भक्ति वासव पुरुष भक्ति रेव भूयसी। मतलब ये भक्ति भगवान का दर्शन कराता है, और ये भक्ति ही भगवान के पास ले जाता है जीव को। और भक्ति वासव पुरुष, ये भक्ति ही क्या करता है ना, भक्ति में ही भगवान पुरुष, पुरुष मतलब भगवान, ये भक्ति के बस कौन है ना पुरुष, ठीक है। यद्यपि ज्ञान कर्म और योग ये भी कुछ कुछ भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान को तो प्राप्ति करने के लिए नहीं, भगवान का अंश प्राप्ति करने, जैसे जो ज्ञानी लोग भगवान को साकार रूप में दर्शन नहीं करते, और उनका जो प्राप्ति होगा ज्ञान की, जो अंत में क्या प्राप्त होता है, जो ज्ञानी लोग उनको प्राप्त होता है, जो कर्मी लोग उनको प्राप्त होता है भोग, ठीक है। और जो ज्ञानी लोग वो क्या प्राप्ति होते हैं ना, सिद्धि। और भगवत वस्तु भगवान से बहुत दूर वस्तु प्राप्त करते हैं, जैसे ज्ञानी लोग को भगवान के स्वरूप दर्शन नहीं करते, क्या दर्शन करते हैं, भगवान के नाखून से जो छटा निकलता है उसे ही सर्वोच्च मानते हैं, उसे आगे तो कुछ ही नहीं। तो इसलिए उनका गति वहां पर स्पिरिचुअल सोसाइटी। तो क्या मैं प्रश्न आता है कि भक्ति बस में पुरुष, कि भक्त की भक्ति का बस में कौन है ना, भगवान है। तो भगवान को कहा गया कि वो सर्वतंत्र स्वतंत्र और पूर्ण पुरुष, भगवान किसी वस्तु का अपेक्षा नहीं रखते, भगवान अपूर्ण ही क्या। तो फिर एक चीज प्रश्न आता है कि अगर भगवान के अंदर सारी सारी चीज समाहित है, सारी सारी चीज, तो अगर वो जीव को कृपा करेंगे तो फिर उनके लिए ये भक्ति का साधन क्यों कर रहे हैं हम। अगर आप कृपा करना है तो कर लो, ऐसे हम जैसे इस जगत से आपके चरण धरे पहुंच जाएंगे, फिर भक्ति का क्या मानते, भक्ति का क्यों हम जाजन के, ये भक्ति का भगवान के अंदर में नहीं है। तो इस चीज को पुष्टि करने के लिए प्रभु जी एक बात बताते थे कि जैसे कोई बांसुरी बजा रहे बंसी बादल, तो वो क्या करता है, वो बांस की लकड़ी में हवा भरता है, उसके द्वारा क्या होता है ना, धुन करता है कि नहीं। तो इसमें प्रश्न आता है कि वो जो हवा पहले तो उसका अंदर में था कि नहीं, और वो जो बांसुरी के द्वारा ऊपर चला जाता है, वो ऐसा धुन क्रिएट करता है जो खुद बंसी वादक भी उसको आस्वादन करता है कि नहीं, समझ में आया। तो कि वो हवा उसका अंदर था, और वो जो बांसुरी बांसुरी के द्वारा एक ध्वनि मतलब साउंड हुआ, तो वो साउंड इतना मुग्धकर होता है कि वो खुद आस्वादन करता है, और उसको जो श्रवण करता है उनको भी आनंद प्राप्त होता है। वैसा ही भगवान के अंदर सारी सारी चीज समाहित होने पर भी ये जो प्रेममय सेवा अपेक्षा श्री कृष्ण कृपा, कि भगवान फिर भी जीव से ये अपेक्षा रखते है ना, क्या ना कब वो ये प्रेममय सेवा मुझे करेगा। और प्रेम उत्कृष्ट वस्तु मतलब विमल प्रेम ही क्या हो जाता है ना, भक्ति में परिणत होता है। तो इसलिए
ये भगवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और ये कलयुग में ये भक्ति साधन करने के लिए हम श्री प्रहलाद महाराज के चरित्र में श्रवण किए कि क्या चीज बताए कि ये भक्ति अति सहज में प्राप्त होता है किसमें, हाँ, नौ अंगों की आप पालन करो। तो भक्ति और भक्ति का अंग ये कभी कभी दिखाया जाता है कि अलग, मगर ये अलग नहीं। जैसे कि श्रवण आदि कीर्तन जो नवदा भक्ति उसका पालन करने से क्या होगा, ना भक्ति प्राप्त होगा। तो ये नवदा भक्ति अलग और भक्ति अलग क्या ये चीज है नहीं। कैसे देखो, एक एक कांच ग्लास अगर गिरे या नीचे, ठीक है, वो नीचे में गिरने के साथ ही क्या होता है, साथ साथ ही शब्द क्रिएट होता है नहीं। और देखो गिरा और शब्द सृष्टि हुआ, ये चीज एक साथ होता है, अलग अलग समय होता है, एक समय होता है। तो वैसा ही यद्यपि ये भक्ति और भक्ति का अंग बाह्य रूप में अलग अलग दिखाई देता है, वास्तवता वही नहीं। ये श्रवण आदि जो जितना सारे नवदा भक्ति वो ही शुद्ध भक्ति रूप में धीरे धीरे प्राप्त होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज चरित्र श्रवण कर रहे थे कि वो नौ तरह की भक्ति की अंग पालन करने के लिए उपदेश दिए थे। और वो क्या क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम मगर इसमें वो शब्द लगाए क्या कि नहीं, कथा श्रवण कीर्तन करने से कुछ नहीं होगा। क्या करना चाहिए, ना इतिपुन सर विता विष्णु, क्या करना चाहिए, ये चीज विष्णु को अर्पण। अगर कथा सुनना है तो किसका श्रवण करना है, ना भगवान का। और कीर्तन करना है तो किसका कीर्तन करना है, भगवान के नाम रूप रस लीला इसका कीर्तन करना है। अगर पाद सेवन भगवान का अर्चन करना है, और हम तो अर्चन करते हैं किसका, जागृति जो एक पैर भी मरने के बाद हमारे साथ में नहीं जाएंगे और वही उनको सारा जीवन देती। और भगवान को कभी भी ये नवदा भक्ति के अंग की तरह भगवान की भजन साधन नहीं की। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अपने जो जीवन की अनुभूति एक्सपीरियंस उसको पूरा कंक्लूजन के रूप में श्री वालों को सुना रहे क्या, ना वो मारे आचरित प्राज्ञ धर्मानुभाव बताए कि वास्तव में भक्ति कब से पालन करना चाहिए, ना भगवत भक्ति बाल्य काल से पालन करना चाहिए। और भक्ति अत्यंत दुर्लभ होने के कारण ये समझना चाहिए कि हम आगे भक्ति में, ये तो भगवान की गुरुदेव की विशेष कृपा है, मगर ये कृपा है तो, मगर किंतु ये जो अभी जो भक्ति हम त्वरित करें मतलब बढ़ा रहे, अगर वो बचपन से हो जाता तो बड़ा अधिक फल प्राप्त होता है। और भक्ति के और सरल करने के लिए श्री महाप्रभु ने कलयुग में आविर्भाव हो के हमें अब बड़ा सरल सहज उपाय प्रदान किए। क्या ना महाप्रभु ने बताया क्या, कुछ भी कर नहीं पाएगा, उसका ये शक्ति सामर्थ्य नहीं है कुछ करने के लिए। इसलिए एक ही चीज वो कर सकता है, महाप्रभु ने बताया बड़ा सरल सहज उपाय क्या ना, हरे नाम करने से सारी सारी भक्ति का अंग का पालन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे श्री महाप्रभु ने ये जो भक्ति का धर्म को बड़ा सरल सरल करे, तो हम लोग विशेष कृपा तथा सौभाग्य क्या हुई उसके आश्रय ग्रहण किए। पांच हरे कृष्ण हरे बोल। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भक्ति को कौन आश्रय ग्रहण करता है, ये भक्ति की विलता है, इसको कौन आश्रय ग्रहण करता है, जो बड़ी सौभाग्य है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सुदुर्लभ और प्रसाद आत्मा कोटि सोपी महामुनि, जो मेरे भक्ति करने वाले करोड़ों करोड़ों जीवों में एक विरल। इसलिए आप जो भजन कर रहे हो आप लोगों में साधारण बड़ी सौभाग्य। भागवत में कहता है कलयुग में सत्य त्रेत्य और द्वापर युग, सत्य युग को कृत्य युग बताया, क्यों,
उसी सत्ययुग में सबका जीवन धन्य धन्य था। सब भजन करते थे, भक्ति करते थे, कोई नास्तिक नहीं मिलते थे, हैं सबके सब धर्म चार चरण में रहता था, सब भजन करते थे, इसलिए सबका जीवन धन्य धन्य हो जाता। त्रेता युग में राम राज्य कहते ना, राम राज्य मतलब क्या, राम राज्य में कोई दुख नहीं हुई, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कोई कष्ट नहीं होता, सबके सब आनंद में रहते थे। सबके सब एक पशुपति तक भी राम राज्य में दुखी नहीं, अगर उनकी भी कोई प्रॉब्लम होना भगवान राम से बोलते थे, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये दिक्कत है, भगवान सबकी भाषा समझते थे, कोई दुखी नहीं थे, पशु पक्षी कोई, सबके सब भगवान की भक्ति में मस्त रहते। द्वापर युग में तो भगवान कृष्ण स्वयं आए, हैं नियम है द्वापर युग में धर्म का दो चरण होनी चाहिए, लेकिन धर्म का चार ही चरण रहता है, क्यों, भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए। लेकिन ये सत्य त्रेत्य और द्वापर युग का लोग भी ये कलि युग में ये इंसान रूप में आना चाहते हैं, मानव जीवन रूप में, हैं मानव शरीर रूप में, बोले क्यों, बोले कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और ये युग को धन्य कलि युग बताया, कलि युग को, कलि युग बहुत बेकार युग है, कलि युग जैसे कोई जगयुग है नहीं, कितने गंदा युग है, कलि लड़ाई झगड़ा अशांति अशांति, लेकिन ये कलि युग में भी देवता लोग सत्य त्रेता युग का लोग भी कलि युग में जन्म लेकर के महाप्रभु का आश्रय महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होकर भजन करना चाहते, इसलिए आप लोग तिलक माला करती बहनी है ना, जानते उन लोगों देवता से बड़े हो सकते, मानव सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग ही कलि युग की मानव शरीर में महाप्रभु की धारा में आए, जो महाप्रभु लाइन में आए वो साधारण व्यक्ति में बड़े ही सौभाग्य, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये भक्ति लता को कौन आश्रय ग्रहण करता है, यही सौभाग्य वाले व्यक्ति इस पर आश्रय ग्रहण करते हुए और सारी ज्ञान कर्म और दूसरे दूसरे सारे अभिलाष को छोड़कर क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 और जोर जोर घूम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं कहिए ये भक्ति लता है और साधो का हृदय में ये भक्ति रूपी जो बीज है जो श्रद्धा है ये हृदय में बोते हैं। कल हम सुन रहे थे जो बोते हैं उसमें पहले एक अंकुर निकलेगा, जैसे कोई पेड़ बोओगे सबसे पहले क्या निकलेगा, एक अंकुर निकलेगा, उसके बाद में फिर उसमें दो पत्ते, कोई भी वृक्ष देखना उसमें पहले दो, सबसे पहले दो पत्ते आएंगे, हैं क्या, तो दो पत्ते क्या है, एक क्लेसाग्नि एक सुभदा। साधन अवस्था में क्लेसाग्नि मतलब होता है जितने तरह का अविद्या पाप वीर को जितने सब के सब नष्ट हो जाता है, और सुभदा मतलब क्या, बोले जीवन में मंगल मंगलमय होता है, मंगल मंगलमय होता, केवल साधन अवस्था में ही अवस्था है, केवल साधन, इसलिए भक्ति की तीन स्टेज होते हैं, एक साधन एक भाव और एक प्रेम। जब सचमुच से कोई साधन करेगा, अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना अभी साधन भी नहीं, क्योंकि अगर सही सही साधन होगा क्या होगा, बोले सारे क्लेश सारे दुख सारे अविद्या हैं सारे ये सब के सब खत्म हो जाएगी, जितने प्रारब्ध अप्रारब्ध पूर्व जन्म में जितने पाप है, अभी जो सुर नहीं हुआ जो सुर हुआ, अगर सही सही अगर हम साधन करेंगे ना ये सब सारी चीज खत्म हो जाएगी, केवल साधन अवस्था में है, उसको आगे चलो तो और बढ़िया बढ़िया है, लेकिन केवल साधन अवस्था में ये सब के सब नष्ट हो जाता है। इसलिए अब जो उसमें दो पत्ते आती हैं, दो पत्ते में एक है सब कष्ट दूर होगा और एक है जीवन में तुम्हारी
सुभदा, सुभदा मतलब क्या है, सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार करने लग जाएगी, सारा दुनिया तुम्हारी पूजा करने लग जाएगी, हैं, सारा दुनिया में तुम्हारी जितने जसदास थे भगवत भक्ति अकीर्चनाथ सर्प गुणस्तस्त्र समाप्त, जिसको अंदर में भक्ति थोड़ी सी आ जाए ना, थोड़ी सी आ जाए, जगत का जितने सद्गुण हैं, दूसरे दूसरे व्यक्तियों को ज्ञानी योगी भोगी इनको सद्गुण बड़े कठिनी से इनको संग्रह करना पड़ता है, लेकिन जब भगवान की भक्ति करना शुरू कर जाए कहीं जाने का जरूरत नहीं, जैसे जब रानी चलती है ना उसको पीछे पीछे उनके चेले चपट हैं और हैं अपने आप चलते हैं, इनका सब सखिया चलती है, कभी जो भक्ति है ये एक महारानी, जब ये भक्ति हृदय में आएगी जगत का जितने सारे गुण हैं, हैं जिस गुण को दूसरे दूसरे व्यक्ति बड़ी कठोर साधन करके प्राप्त करते हैं, भक्ति आ जाए तो सब गुण तुम्हारे अंदर, सारे गुण तुम्हारे में आ जाए, हैं, लेकिन अगर भक्ति नहीं तुम्हारे हृदय में, भगवान की कोई भक्ति नहीं कद और भी जितने सारे गुण उतने बेकार है। एक उदाहरण दिया, जैसे कि स्त्री शरीर छोड़ गई, सर्विस को छोड़े, लेकिन उसको बड़ी सुंदर हीरे जवाहरात से उसको सर्विस को सजा, उसमें कोई बात तो है, अरे तो मर गई, जब मरने का बाद उसको सजा कर क्या लाभ है, क्या उसी तरह अगर भक्ति नहीं तो तुम्हारी, अगर भक्ति नहीं हृदय में भक्ति नहीं कद जितने उसका सदगुण सब बेकार, लेकिन तुम्हारे अंदर में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं तुम्हारे अंदर, लेकिन भगवान की भक्ति जैसे सबरी छोटे जाती थी, लेकिन उनका दर में क्या था, राम की भक्ति, राम की भक्ति थी, भगवान उसका झूठा भेद नहीं करते, प्रहलाद में क्या था, केवल प्रभु का भक्ति थी, विभीषण में क्या था, केवल भगवान की भक्ति थी, तो जिस लंका को पाने के लिए रावण ने दस दस बार सर्प चढ़ा दिया और कठोर तपस्या किया, हाँ ये लंका को पाने के लिए कठोर तपस्या किया, लेकिन विभीषण ने क्या किया, केवल प्रभु राम की शरण में आगे भगवान राज तिलक लगा, उसको राज तिलक लगा के केवल प्रभु राम की शरण में और कुछ नहीं, बस जिस लंका को पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की, दस बार सिर चढ़ सर चढ़ाया, लेकिन प्रभु की शरण में आगे तो प्रभु राज तिलक लगा, आज से लंका का राजा तुम बन गए, इसका मतलब है अगर प्रभु की भक्ति में तुम आ गए, प्रभु की भजन में सारे सद्गुण सब तुम्हारे अंदर में, सारे सद्गुण आ जाएगा अलग रूप में, किसी गुण को तुम्हें अर्जन करने का जरूरत नहीं, ये मिलनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए, ये होनी चाहिए, कुछ भी जरूरत नहीं, केवल क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, भक्ति सारे सद्गुण को भक्ति ले आती है, इसलिए उसमें दो पद निकले सुभदा और क्लेसाघ्नि, आप देखना पद्य में लख्य करके देखना, एक भाग देखना जो ऊपर की भाग है ना वो खसखस है और अंदर का भाग देखना वो थोड़ा भोला है, देखना कोई भी पेड़ निकलेगा फिर पद्य इतना पद्य का दो भाग है, एक भाग का देखना खसखस लगेगी और एक भाग देखना भोला है, बोले वो क्या चीज है, बोले भक्ति दो तरह का है, एक वैदिक भक्ति और एक भक्ति, एक राग भक्ति, एक वैदिक भक्ति एक राग भक्ति, भक्ति का दो चीज है, कहते हैं वैदिक भक्ति किसको कहते हैं, बोले वैदिक भक्ति उससे कहते हैं शास्त्र के शासन को स्वीकार करते हुए, शास्त्र क्या कहता है, देखो ये जो जीवन है 84 लाख जन्मों के बाद में मिला है, अगर इसी जीवन में आकर के भजन नहीं किया फिर तो गद्दे सुअर पेट को दावत होगा, फिर मुर्गा मुर्गी होकर जाओगे बास घोट कर खा लेंगे, बकरी बड़े को तो टांग ऊपर लटका करके सीधा बड़ा चमड़ा उतार लेंगे, कहीं आप भैंसे हो जाओ तो सीधा कसाई खाने में काट खाएंगे, पेड़ बनोगे तो प्यास लगने पर भी पानी नहीं मांग सकते हो, टेनियां काट कर ले जाएंगे तुम्हारी, हैं, इसलिए भगवान की भक्ति नहीं करोगे ना फिर तो दर 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 भटक करोगे, चुप करते रहोगे, इसलिए
कहते फिर तुम घोर नरक भोग करोगे, 84 नरक में कितना कष्ट भोग करना पड़ेगा। इसलिए तस्मात सर्वात्मा राजन भगवान हरि ईश्वर स्वतक कृतित्वस्य इच्छता इच्छता भयो। अगर जीवन में अभय पाना चाहते हो, जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो, क्या करो? तस्मात सर्वात्मा राजन भगवान हरि ईश्वर। इसलिए वो जो सर्वात्मना जो भगवान हरि है, जो ईश्वर है, क्या करो कि भक्ति करो, कि भजन करो। अगर अभय पाना चाहते हो, अगर दुख पाना चाहते हो, प्रशिक्षण में भटकते रहो, माया में भटकते रहो। इसलिए वो जो भक्ति है, जो वैधि भक्ति, इसमें तो आनंद है, लेकिन इतना आनंद है, जैसे देखो आप लोग ने कितने बताओ कितने बजे सवेरे उठे हो? सही से पौने चार उठ रहा, पौने चार का उठ रहा है, पौने चार बजे, पौने चार बजे। ठीक देखना सवेरे का जो नींद है ना, सबसे उसी समय रात में देखना, सोते समय कभी नींद नहीं आता, लेकिन देखना एकदम ठीक है, एकदम उसी समय में ठीक, सबसे बढ़िया नींद आती। अगर ठंडा का समय हो गए तो छोड़ दो, रजाई का अंदर अगर घुस जाओ, थोड़ी घर सिर्फ सवेरे सवेरे घूम करके इसको ठंडा पानी में अगर नहाना पड़ जाए, ठंडा पानी में। इसीलिए देखना एकदम उसी समय में, जिस समय जीत बढ़िया आती है, आप लोग ठीक उसी समय में क्या करते हो? आप घूम करके नहा धो करके फिर तिलक लगा करके मंदिर में आप लोग आते हो, है? लेकिन उसी समय लेकिन यहाँ पर बैठे और जल्दी जल्दी उठे तो कुछ झपकी आ रही, नींद आ रही, नींद आ रही ना, है? इसलिए कहते नहीं चाहने पर भी उठना पड़ता है, नींद आ रही है, हरिनाम करते समय में नींद आती है, देखना गुरु मंत्र जप करो कभी झपकी आ रही। इसलिए देखो कि जो भक्ति है ना, कि वैधि भक्ति कर रहे, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अभी इसमें आनंद नहीं आ रहा, आनंद आ रहे हैं, आनंद आ रहे थोड़ी बहुत, लेकिन उसको जोर जबरदस्ती कर रहे, इसको हम जोर जबरदस्ती कर रहे, कोई क्यों कर रहे कारण है जानते हैं। अगर मंगल आरती में जाएंगे, उसका नाम ही मंगल आरती, मंगल आरती मतलब क्या है? जिसको दर्शन करने से जीवन में मंगल मंगल होगा, इसलिए मंगल मंगल हरि मंगल होगा। इसलिए इसको क्या कर रहे हो? शास्त्र शासन से अगर जाएंगे तो हमारी कल्याण होगा, जो कल्याण होगा, लेकिन दीनता आती है। इसलिए इन जो भक्ति तो कर रहे हैं, ठाकुर का सेवा पूजा तो करते हैं, लेकिन हम जोर जबरदस्ती करते हैं, आनंद आ रहे हैं, लेकिन जैसे आनंद आनी चाहिए वो आनंद इसमें नहीं है, क्योंकि इसको कई भी भक्ति करते हैं शास्त्र के शासन। अगर लेकिन आप देखना इसको ही करते 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 कभी कभी यही चीज स्वभाव में परिणत हो जाती है, आदमी चाहे बगैर रहा ही नहीं जाएगा, भगवान भक्ति के बगैर रहा ही नहीं जाएगा। अभी जैसे भक्ति करो, गुरु मंत्र के लिए जप करने के लिए बैठो, हरिनाम करने के लिए, देखना एक सेकंड में मन कहाँ चला गया। गुरु मंत्र करने के लिए बैठे, मंत्र जप कर रहे, बस 5 मिनट का गुरु मंत्र है, लेकिन आधा घंटा तक सुनते रहे, मंत्र खत्म नहीं हो रहा है, मंत्र जप करने के लिए बैठे तो मन पता नहीं कहाँ चली गई। अगर मन कहीं नहीं गया तो बस सो गए, आधा घंटा हो गया, देखते भैया अभी तक जो 5 मिनट का मंत्र था वो आधा घंटा हो गया, सो गए मंत्र जप के बाद क्यों जब क्यों चलता है? कहते अभी जो भक्ति है ना हमारी, अभी इसमें इतना रुचि नहीं हमारी, इतना इसमें रुचि नहीं हमारी। इसलिए ये भक्ति को वैध भक्ति कहते हैं, जो शास्त्र के शासन का अनुरूप कहते हैं। लेकिन वो कौन सा जैसे बच्चे का दूसरा भाग खसखस खसखस करता है ना, ये भाव है स्वाभाविक रूप में। जैसे जब उद्धव की ब्रज में गए, अभी रात ब्रजवासियों को खबर देने के लिए हैं, इतने में उन्होंने देखा जब राधा रानी को पास में गोपियां लेके गए, बोले देखो
ये ब्रजवासियों का अस्तित्व तुमने देख लिया। जब से कृष्ण ब्रज स्वर्ग गए तब से कोयल भूकू नहीं कर रहे, मयूर केका नहीं कर रहे, बछड़े दूध नहीं पीते, गैया घास नहीं खाते, सारी ब्रज उजड़ा हुआ और नंदबाबा का जो रोसी घर में हाँ बकोड़े चाल बना दी। कृष्ण जब से गए तब से रोसई नहीं बन रही, मैया जसदा बेहोश होकर पड़ी थी, शरीर में कोई याद नहीं, सारी को सारी ब्रज कृष्ण विरह में कभी कभी इतने रो रहे, इतने रो रहे, उनका आंखों का जो आंसू झरी रूप में बहते बहते जमना, ऐसे कृष्ण विरह में सबके सब दुख दिए। तुमने देख लिया ब्रजवासियों का वो मियाँ जात छः महीना से वही पड़ी थी, उसी कपड़े उसी जंगल में कृष्ण विरह में पड़ी थी। जब उद्धव जी गोपियों से मिले बोले चलो हम आपको राधा रानी का अवस्था दिखाते हैं, उनको एक जंगल में ले गए, ले करके देखा राधा रानी एक सुंदर कपल फूल की सज्जा बनाए, शरीर में अघोर कर्पूर चंदन की लेप लगाए और राधा रानी अचेत होकर पड़ी। और इतने में एक भौंरा कृष्ण ही एक भौंरा रूप में आ गया और राधा जी के चरण में बैठी करके उनको मनाना चाह रहे और राधा रानी बंधु पकृत व बंधु हो गए, तू कपटी हो खबरदार कर दिया मत छुमा कर है मत छुमा कर तू कपटी है इसलिए यहाँ से तू भाग जा, ये कोई मनाने का तरीका थोड़ी है, तेरे गोप लाल लाल रंग कहाँ से आ गया, तेरे व्रत जो मथुरा की जो महिषियाँ अपना भक्ष्य स्थल में कुमकुम की तरह श्रृंगार करते हैं और वो हैं कहते वो कुमकुम कृष्ण जब मिलते हैं वो कुमकुम रंग कृष्ण की माला में लग गया और वो माला में तू बैठ गया, बैठने पर तेरा गो जो गो है ना वो हो गया लाल। बोले ये कोई मरने का तरीका है, कोई कृष्ण और किसी हाँ हमको मनाने के लिए आए, बोले किस चीज़ को लगा करके, बोले कृष्ण हमारी प्रियतम थे और हमें छोड़कर चले गए मथुरा और मथुरा रमणियों के साथ में विहार करते हैं, हम गोपियों को उन्हें भूल गए राधा रानी को भूल गए और कृष्ण हैं जिन महिषियों के साथ में मिलते हैं उनकी गोप में वो रंग लगा करके तो हमको मनाने के लिए आए हो। बोले मधुपा है लगता है तो मद्यपान करके आए शराब पी करके आए। बोले शराब कैसे पी कर कैसे कैसे बोल रहे, बोले शराब पिया तभी तो तेरे अंदर में ज्ञान नहीं कैसे मनानी चाहिए, फिर भाग जाए यहाँ से जरूरत नहीं हमारी तैयार में बैठने का। बोले ये जो काला है ना सत्य युग में भी काला आया, बोले कौन, बोले ब्राह्मण थे बहुना स्वरूप धारण करके आया। बोले देखो ब्राह्मण को ज्यादा लोभी नहीं होनी चाहिए, हम केवल तीन पगे जमनी चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए, अरे तुमने बताया तीन पगे जमनी के लिए और एक पग में क्या ले लिया भूल भुगम और ज्यादा तपा सत्य ले लिया, दूसरे पग में अतल बिंदल तलातल सब लोग को ले लिया, अब तीसरे पग रखने का जगह नहीं कर क्या किया गौरव को बुलाकर बांध दिया। जैसे कौए होते हैं कोई चीज लेकर जा रहे हो कौए आकर खाएगा का 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 करना लग जाएगा ना और भी बहुत सारे कौए आ जाएंगे हैं खा मिलेगा कपड़ा कपड़े भी मारते तो कौए जैसे तुम्हारे स्वभाव और त्रदया जी को भी काला आया है काला कौन बोले राम वो जंगल में गया बड़े सुंदर श्रृंगार करके लिए हैं बड़े सुंदर कैसे जटाजुट जितना उल्टा पेश जट एक तो जटाजुट बल जटाजुट धारण किया ऋषि फिर धनुष फिर स्त्री को साथ हैं कहती ये कोई रूप है और देखो सुपर्ण खाने जो आसक्ति हो गई सुपर्ण खाना कोई हो सके क्योंकि तू इतने सुंदर क्यों बने, तू अगर इतने सुंदर नहीं होता सुपर्ण का थोड़ी आकृष्ट होती, स्त्रियों का तो स्वभाव किसी सुंदर पुरुष में आकृष्ट होना, तो इतने सुंदर क्यों बना सुंदर बनता नहीं सुपर्ण का आकृष्ट होती नहीं, फिर क्या किया ठीक है शादी करने के लिए आई उसका नाक का नंबर काटा, फिर हृदय में जो काले राग हुए बंदर को कोई नहीं मारता क्योंकि बंदर का मांस कोई नहीं खाते, तुमने बाली को भी हत्या किया बाली को भी मारा है, इसलिए जितने काले हैं ना सब भूत हैं, अभी वही फिर द्वापर युग में फिर काले बन कर गए कौन कृष्ण राधा रानी, तो जितने कृष्ण की बुराई बुराई निंदाई निंदा कर रहे थे
इतने में किसी ने कहा भैया अगर वो काले कैसे हैं, जन्म जन्मांतर के काले हैं, हाँ काले हैं, फिर गोपियाँ क्या कहती हैं, काले हैं, फिर उसका बात ही छोड़ना और दूसरे का बात करो, वो काले का जब से आया जब से काले 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 घटते जा रहे, उस काल का बात छोड़ना, बहुत सारी बात पर कोई बात करो। राधा रानी कहती थे यही चीज है, हम मन को समझाते मैं तुम कृष्ण को छोड़कर और कोई चीज को चिंतन करो, लेकिन वो ऐसे हमारी कण कण में समा गया, मन से निकालना चाहने पर भी मन से निकलता है। ये कान को हम समझाते भैया बहुत सारी चीज सुनने का है, लेकिन उसकी बंसुरी की आवाज ही मत सुन, लेकिन कान में आए तो उनकी बंसुरी की आवाज के सिवा कोई आती। ये जीवा को समझाते भैया जगत में बहुत सारी बात है, तो ये काले की बात क्यों करते हो और कोई बात छोड़ करना, लेकिन ये जीवा ऐसे भी बोली ऐसे आएगा तो तब लोग काले का ही बात और किसकी बात है। प्यार को कहते भैया जहाँ पर कृष्ण लीला की उधर मत जाओ और कोई जगह पर जाओ, लेकिन ये प्यार ऐसे है जहाँ कुंज कुंज में जहाँ जमुना की नरम लीला की वो प्यार उधर ही जाए। मन को समझाने पर भी कृष्ण चिंता छोड़ तभी ये मन कृष्ण चिंता नहीं छोड़ता है, क्योंकि कण कण को बैठी गई कण कण को बैठी गई। ये जो भक्ति है ना इसी भक्ति को कहते हैं राम भक्ति। क्या भक्ति है? राम भक्ति। लेकिन हमारी भक्ति कैसे, बस थोड़े से बैठे मंत्र जप करने के लिए सो गए, नहीं तो मन पता नहीं कहाँ से बात में देखते ही मन तो ही मन तो बोल गए अपनी दुकान पे सिनेमा यार दोस्त को पास में। इसलिए कहते हैं जो जो दो जो पत्ते निकल किए पत्ते का एक अंश खसखस है और एक अंश उसकी कोमल है, कोमल मतलब एक राग भक्ति और एक है श्री वैद्य भक्ति, एक राग भक्ति एक वैद्य भक्ति, इसलिए भक्ति दो तरह का भक्ति है। लेकिन अगर ये भक्ति करेंगे तो फिर क्या होता है, हैं जो क्लेशाग्नि और सुभदा जो दो पत्ते निकली, लेकिन अगर ये वैदिक भक्ति हो नहीं तो राग भक्ति हो, अगर ये भक्ति करोगे अगर क्या होगा, तुम्हारे जीवन का सब दुख दूर हो जाएगी, सारे अनर्थ खत्म हो जाएगी, सारे अपराध खत्म हो जाएगी, हैं और जीवन में मंगल और जितना जगत का सद्गुण है ये तुम्हारे अंदर में आ जाएगी। ये वैदिक भक्ति हो राग भक्ति हो कोई भी भक्ति करो इसमें आपकी दो लक्षण जरूर आएगी। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसलिए क्या करनी चाहिए, आप लोग जो रोज आरती में आते हैं ना जरूर आरती में दुनिया छूट जाए, लेकिन ठाकुर जी आरती नहीं छूटनी चाहिए आपको। तो देखो शास्त्र में एक बात बताया, पहले जो मुंह में जो कड़वा लगती है ना पेट में जाएगा तो क्या होगा, बढ़िया काम करेगा, और मुंह में जो मीठा लगता है अंदर में जाएगा तो गड़बड़ी करेगी गुस्सा नहीं करेगा। इसलिए अभी सवेरे सवेरे उठ करके जाना मंदिर में आरती बता दो, कितना बजे आप कितना बजे उठे, कोई नहीं 4 बजे बता दो, तभी से लेकर अभी कितना हो गया 6:30 हैं 6:15 एकदम 6:30 तक। आप देखना आपका जो मन है ना केवल ठाकुर 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 ठाकुर, मन में और कोई चीज नहीं, जब से स्नान कर रहे हो तब से नहीं, कल रात से सोने से पहले नहीं सवेरे उठ करके मंगला आरती जाना, मंगला तब उसे कृष्ण जी का कृष्ण बैठेंगे मंदिर में जाएंगे आरती दर्शन करेंगे कथा सुन, तब से लेकर अभी तक देखना मन में क्या बैठा, वो काला बैठ गया और अभी तक में केवल कृष्ण 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 और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा साधन है, ऐसे करते 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 ना एक दिन देखोगे यही वैदिक भक्ति और राग भक्ति में परिणत हो जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा देखे ना जब स्कूल भेजो ना रोता है जाना नहीं चाहता, भैया क्या करते हाथ पकड़ कर ले जाते और उसको साथ में बैठे के एक घंटा बैठ कर बच्चे को घर ले जाए, दूसरे दिन फिर उसको हाथ पकड़ कर ले जाए, फिर चल में चलती उसको बैठा कर ले जाए, ऐसे जब कुछ दिन होने के बाद ना छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उनके साथ में खेलता कूदता है
तो सुबह मन लग जाता है। अगर नहीं जाओ ना तो स्कूल नहीं जाओगे, चलो भैया वहाँ पर बहुत सारे दोस्त है ना, फिर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए घर के छत्ता जूती चॉकलेट ये दे देंगे, हम उसको कितना कितना लोभ दिखाते बेटा चल कितना करते हैं। लेकिन देखना वही बेटा जब बड़ा हो जाता है ना धीरे धीरे, हैं पहले जब बेटा और थोड़ा बड़ा होता पेपर आ गया बेटा चलो चल पढ़ो नंबर बढ़िया आने चाहिए, पिता माता को जोर कर उसने बेचते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करते। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना 10-11 क्लास में आ जाता है, जैसे ये बच्ची इनको पिता माता बोलते हैं पढ़ने के बच्चों नहीं इतना मार्क लाना है 99% मार्क लाना है, देखना उसमें जी चाँद लगा के उनको बोलना नहीं पड़ता है मतलब बोलना पड़ता है उसको बोलना है अभी इसको बोलना पड़ता है नहीं बोलना पड़ता है समय निकाल करके साहब बढ़िया मार्क दे लाएंगे पूरा उसमें तन मन पूरा उसमें लगा देते हैं। उसी तरह ये अभी भक्ति में थोड़ी तक कठिन लग रहा है जैसे, लेकिन इसका जो फल आपको मिलेगा ना आप सोच भी नहीं सकते, भगवान क्या देने वाले तो सोच से बाहर है। जब ये बच्चे जब नौकरी मिल जाएगा कदम चला तो लाख रुपये धंधा मिलेगा तो चकाश है इसलिए अभी कष्ट करें फल मिलेगा। इसी तरह आपको कष्ट लग रहा है बताए सबको, हाँ कष्ट लग रहा है एक दिन इसका फल इतने बढ़िया फल इतने बढ़िया घर पर बैठी बैठी करके बिना श्री की उठने की रस पान करते रहोगे खूब पीते रहोगे ठीक है ना, इसलिए रोज आरती में आओ कथा सुनो भजन करो इसका फल दिव्य फल है। लेकिन संसार के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, हम जो कुछ कोशिश करते हैं ना दूसरे को सुख के लिए, पति को कैसे खुश करे बेटे को खुश कर दे बेटी को खुश करे इसको खुश करे अब तो कोई खुश नहीं तुम्हारे पास सब नाराज है संसार में किसी को खुश नहीं कर सकते लेकिन भगवान के लिए करो ना बस ठाकुर जी खुश हो गए सब दुनिया खुश हो जाती ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा